सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है लता बेलवाल और आप सभी का स्वागत है मेरे नए ब्लॉग में। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है शाम के 7:30 बजे से। तो अभी मैं चलती हूँ किचन में और आज बना रही हूँ मैं एक स्पेशल सब्जी। तो शायद आपने नहीं बनाई होगी या बनाई भी होगी, लेकिन चलिए मैं बना रही हूँ तो आपको भी दिखा लेती हूँ। सब्जी बनाने के लिए मैंने लिए हैं 4 आलू, 2 प्याज, 2 टमाटर। तो मैं आलू को छील लेती हूँ और प्याज टमाटर काट लेती हूँ। तो मैंने आलू को काट लिया है ऐसे छोटे छोटे साइज में, पनीर के जैसे चौकोर पीस कट कर लिया है। प्याज टमाटर को भी मैंने मोटे मोटे साइज में दोनों को एक साथ काट लिया है और हरी मिर्च को ऐसे साबुत ही रखा है। तो इसका मैं पीस के एक स्मूथ सा पेस्ट बना लूँगी। और गैस पे मैंने कढ़ाई रख दी है तो मैं दिखाती हूँ। तो मैंने तेल गरम होने को रख दिया था, तेल गरम हो गया है और आज बना रही हूँ मैं सब्ज़ी सरसों के तेल में। तो पहले मैं प्याज और टमाटर को भून लेती हूँ तेल में। थोड़ा सा सॉफ्ट होने तक भून लेती हूँ। प्याज टमाटर को मैंने भून लिया है और ये सॉफ्ट हो गए हैं तो अब मैं इसे निकाल लेती हूँ तेल में। इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे और उसके बाद इसका एक स्पून का पेस्ट बना देंगे। और मैं थोड़ा सा तेल और डाल दूंगी। अभी तेल को गर्म होने के लिए, तो अभी तेल गर्म हो गया है और अब इसमें आलू को भी फ्राई कर लेती हूँ मैं। इसी तरीके से आलू को चलाते हुए भून लेना है, थोड़ा सा क्रिस्पी होने तक भूनना है। इस तरीके से आलू की सब्जी बना के बहुत अच्छी लगती है। तो मैं भून लेती हूँ इनको। तो आलू फ्राई हो गए हैं, इसमें अच्छा सा सुनहरा कलर आ गया है, ये क्रिस्पी हो गए हैं। तो मैं इनको भी एक प्लेट में निकाल लेती हूँ। तो मैंने आलू को निकाल लिया है और कढ़ाई में थोड़ा सा तेल बच गया है तो उसे तेल में डाल दूँ मैं। थोड़ा सा जीरा, थोड़ा सा धनिया, साबुत धनिया, ये धनिया हमारे गांव से आया है, पहाड़ वाला धनिया है ये। और थोड़ा सा डाल दूँ सरसों के दाने। चटक गए हैं और अब इसमें डाल दूँ मैं प्याज टमाटर का पेस्ट।
में थोड़ा पानी डाल के इसमें डाल देते हैं। साथ साथ मैं इसमें मसाले भी डाल रही हूँ, और एक से डेढ़ चम्मच डाल रही हूँ नमक, लाल मिर्च डाल रही हूँ, धनिया पाउडर, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा गरम मसाला। सारे मसालों को अच्छे से भून लेती हूँ। तो मसाले को भून लेती हूँ, जब तक तेल अलग नहीं होता तब तक भूनना है। तो मसाले को मैंने भून लिया है, मसाले में तेल अलग हो गया है। तो अब मैं डाल देती हूँ इसमें भुने हुए आलू, और मिला देती हूँ सबको। अब इसको लो आंच पे थोड़ी देर ढक के पकाऊंगी। तो सब्जी को मैंने थोड़ी देर के लिए ढक के छोड़ दिया था, तो मैं इसको चेक कर लेती हूँ। देखिए आलू में मसाला अच्छे से मिल गया है। तो आलू को मैंने पहले से पका के रखा था, तो सब्जी को बनाने में टाइम नहीं लगा और मेरी सब्जी बनके तैयार हो गई है। तो मैं एक प्लेट में निकाल के दिखाती हूँ। तो ये रही मेरी आलू की मसाले वाली सब्जी, तो रोटी के साथ बनाई है मैंने आज। तो आप भी इसी तरीके से आलू ज़रूर बनाइए, जिनको आलू पसंद नहीं है वो भी सब्जी को ज़रूर खाएंगे। सब्जी बन के तैयार हो गई है और अब मैं बना लेती हूँ रोटी। और आज का वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। मिलती हूँ आपको अपने नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।